They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, cause no one feels that bad. हेलो नमस्ते एंड कैसे हैं आप लोग गाइस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया ही होंगे एंड मैं हूं रजनीश एंड मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। ऑलराइट गाइस, सो हमारे 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं एंड आई एम रियली हैप्पी एंड मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन्होंने भी मेरे मतलब मदद की है 1K सब्सक्राइबर करने में। एंड सभी सब्सक्राइबर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। सो आगे भी सपोर्ट कीजिएगा एंड शेयर लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा गाइस। हमें अपने को उस मुकाम तक ले जाना है, बहुत ऊंचे मुकाम तक। ऑलराइट गाइस, सो नया दिन है, नया ब्लॉग है। सो आज हम मोटो ब्लॉगिंग करेंगे। सो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है मोटो ब्लॉगिंग में, फिर भी हम ट्राई करेंगे आज मोटो ब्लॉगिंग का। एंड थोड़ी ऑडियो में दिक्कत हो सकती है क्योंकि इस GoPro में माइक नहीं है मेरे पास। सो थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है ऑडियो की, बाकी तो सब बढ़िया ही रहेगा। सो आज करेंगे हम फर्स्ट मोटो ब्लॉग। सो चलो निकलते हैं अब, मतलब मैं जा रहा हूँ शराबाई तक, थोड़ा काम है तो वहाँ तक जाऊँगा। तो आते वक्त हम दूसरे रास्ते से आएंगे, बहुत ही अच्छा रास्ता है। तो आप लोगों को सभी को दिखाऊँगा मैं अपनी राइड यहाँ से लेके वहाँ शराबाई तक एंड शराबाई से वापस अपने घर तक। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। एंड मैंने थोड़ी बहुत इसके अपने GoPro के एसेसरीज भी मंगवाए थे, उसके अनबॉक्सिंग की वीडियो भी इसके साथ ही डाल दूंगा, इसके बाद वो चल पड़ेगी। सो गाइस विल एंजॉय द वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट। बाकी चलो बाइक के पास चलते हैं, फिर निकलते हैं अपनी सफर की तरफ। सो मिलता हूँ आपको आगे जर्नी में। ऑलराइट गाइस, सो कार्ड के हम निकल चुके हैं यंत्रालय, गेम ऑफ फुल ऑफ गैजेट्स। ओके, पैकिंग तो बहुत ही सही करी है भाई। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। ओके, तो ये हैं ये मिल जाते हैं। ओके, ओहो, अरे ये तो इन्होंने बहुत सारे दे दिए। एक दो तीन चार ये हैं। वाह, ओके, दिस इज समथिंग नाइस। हल्का भी है, ये वो है उसके लिए बढ़िया ये है। और साथ में एक ये भी है, स्टिक लगाएंगे और फोटो को। ओके चलो ये देखते हैं, इसलिए देखता हूँ। उसके बाद है हमारा, ओके ये हमारे साइकिल के लिए हो गए, शायद बाइक के लिए भी हो सकता है हैंडल में लगाने के लिए। डिफरेंट जॉइंट्स के हैं ये रहा, ये तो हैंडल देखिए गाइस, ये पक्का साइकिल के लिए है। उसके बाद है एक ये मेरा टूट चुका था, अच्छा हुआ है मंगवा लिया क्योंकि मैंने इसका तोड़ दिया हेलमेट लगाने का, ये भी बहुत ज़रूरी था। तो ये तो आ गई, ये बस आ गई है। तो एक और बेकार की चीज़, ये ठीक है, ये है हमारा ट्राईपॉड स्टैंड का नीचे रखने के लिए, तो इसे इसमें लगा देते हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे रख देंगे। वाह वेरी नाइस, वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी चीज़ आई है। तो देते हैं उसके बाद है, ये क्या है, ये है हमारा रिस्ट के लिए ओवरशेट। यस, ये है हमारा रिस्ट, इसे हम हाथ में लगा सकते हैं इस तरीके से, वेरी नाइस। अंदर रख देता हूँ, देखेंगे इसका किस तरीके से यूज करना है। ओके, इसके बाद है ये भी है हमारे बाइक के लिए ही है, एक और ये बैलेंस पकने वाले स्टिकर्स, फिर एक और है ये, फिर एक और है ये दूसरे वाले हैं, नाइस स्टिकर अलग से दिया हुआ है, वेरी नाइस है।
ये और ये है, ये कुछ इसलिए होगा, ओह ये है हमारे चेस्ट के लिए आई थिंक, सो दिखाई दे रहा नहीं, ऑलराइट सो ये हो सकता है हमारे ना, हाँ क्लिप वाला ये देखो, मैं GoPro लगाओ और उसे ऐसे लगा दो चेस्ट में, बहुत ही बढ़िया इसको हम बैग में लगा सकते हैं और बैग में लगा के हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं होगी, तो नाइस ये भी बढ़िया है, वाओ ये भी अच्छा है, इसको हल्का सा ये पानी के अंदर के लिए ये स्टैंड, ये उसके बाद है ये है हमारे गाड़ी में लगाने के लिए, बहुत ही बढ़िया राइट, ये लगा देंगे और ये एक्सेट ये लगा देंगे और ये वो नाइस, ये भी है सब गाड़ी में लगाने के लिए भी मिल गया गाइस, इसके बाद बैग के बाद ये है हमारा चेस्ट माउंट, इसमें जो भी चीज है डबल साइडेड टेप एंड ये हेड माउंट, सेकंड हेड माउंट, ये है हमारा चेस्ट माउंट, ये हेड है, हाँ ये हेड है, वेरी नाइस, मुझे इतने तो काम आएंगे नहीं बट देखते हैं कौन कौन सा काम आएगा, ये है चेस्ट माउंट, चेस्ट में लगा के देखते ये भी काम आ सकता है, और ये तो बहुत ही जरूरी काम आएगा, इसका भी कुछ पता नहीं आएगा भी नहीं आएगा बट ये तो ज़रूर आएगा, जी गाइस यही सामान आया है, ऑलराइट गाइस सो अब हम पहुंच चुके हैं बाइक के पास, तो पहले बाइक की थोड़ी सफाई कर लेते हैं, यू नो ऑलराइट गाइस लेट्स गो चलते हैं, चश्मा लगा देता हूँ ताकि हमको मैं ना वो पड़े, टॉयलेट चलो गाइस अभी हम बतावी पहुंच चुके हैं, तो बाकी बीच में काट दूंगा मैं सीन थोड़े बहुत, हाँ कहाँ से काट पूरा गाइस, तो मैंने इसलिए उसके मुँह के आगे गाड़ी रोकी क्योंकि उसने ना इंडिकेटर दिया था ना कुछ और सीधा ही मुड़ रहा है गले की तरह, तो ऐसे लोगों को मतलब थोड़ी अकल देनी चाहिए, मुझसे मतलब बहस नहीं करनी चाहिए ना ही लड़ाई करनी चाहिए, सीधा बाइक आके लगा दो पता लगना चाहिए उसने क्या गलती करी है, तो बाकी आप क्या बोल सकते हैं, बुजुर्ग आदमी था थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए बस क्या करें, आप देखिए कई बार सुनो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पता नहीं और जगह से होती होती चीज़ नहीं, यहाँ पर जो अगर मान लो जैसा भी ये गाड़ी चल रही है अगर ये इंडिकेटर दे दे राइट साइड का, तो राइट साइड राइट, तो अगर ये इंडिकेटर दे दे राइट साइड का तो जो पीछे जो बंदा है वो सोचेगा कि ये पास दे रहा है,
ये यहाँ पे ये वो है कि भाई पास देना, इस राइट साइड इंडिकेटर का इंडिकेट करना मतलब पास देना हुआ, मतलब बहुत ही खजलमेंट है। तो जब मतलब राइट साइड को जाना होता है बंदे ने, तो बंदा क्या करता है, हाथ की बात को निकाल देता कि ताकि दूसरे बंदे को पता चले कि ये घूम रहा है ना कि पास दे रहा है। तो ऐसे ऐसे रूल्स निकले हैं यहाँ कुल्लू में, पता नहीं कितने किसका आविष्कार है ये, बट क्या बोल सकते हैं। और जो यहाँ के तो हैं कि ओवरटेक करते वक्त यू नो जो हॉर्न बजा देते हैं, बट वो कोई तो विदाउट हॉर्न ही सीधा ही यू नो ओवरटेक कर देते हैं। अगर मान लो अगर कई बाइक यहाँ पे ऐसी हैं जिनके शीशे नहीं हैं, देखिए तो इन्हें कैसे पता लगेगा कि ओवरटेक कर रहा है बंदा, तो बाइक वालों को बहुत ही मुश्किल रहती है इस चीज़ में। बाकी तो क्या वैसे गलतियाँ गलती इनकी भी है बाइक वालों की, शीशे तो बहुत ज़रूरी है, शीशे के बगैर नहीं होता है जैसे ना इंडिकेटर ना कुछ, सीधा ही बोल दिया। देखिए भाई ये चीज़ जो है ये चीज़ बहुत गलत है। अगर आप लोग मतलब मुड़ रहे हो या रुक रहे हो या साइड जा रहे हो, रोड के साइड जा रहे हो, तो यू शुड इंडिकेट फर्स्ट कि भाई मैं यहाँ से नीचे को तरफ उतर रहा हूँ, मतलब मैं मेन रोड से हट के मतलब साइड में जा रहा हूँ, तो इंडिकेटर कर दो। पीछे वाले को तो पता उसको पता लग ही जाएगा कि भाई इंडिकेटर दिया है तो ठीक क्या है, कि वो ऑब्वियसली बात है कि मुन्ना होगा या फिर कुछ ऐसा वगैरह होगा, तो पता नहीं क्या करते हैं। तो देखिए गाइस मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बारिश वाला मौसम है, पर देखते हैं आज हम राइड में जाएंगे कि जाएंगे, बाकी मेरे के बिना उतर गए। मिल नहीं रही थी मुझे तो जगह निकालनी थी, पर नहीं थी भाई। तो अभी आप आगे हैं खड़ा भाई, तो आगे को जाओगे यहाँ से आगे जाओगे तो आता है हमारा खड़ा भाई एंड गुम्पा के लिए भी स्ट्रेट है रास्ता, बट हमने जाना है मिल तो हम यहाँ से देंगे लेफ्ट, तो आगे वाला है आपका खड़ा भाई, तो यहाँ से मिश्रां के लिए रास्ता चलने का बहुत डर होता है गाइस, तो इसलिए मैं तो बहुत ही आराम से चलाता हूँ, लेकिन एक दो बार मैं तो खा चुका हूँ, तो पहले दूसरे गेयर में चलिए आराम से कोई जल्दबाजी में। हम पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन, बस बस दिख रहा है, दिख रही है नहीं है वो वाला, इसमें दिखता साफ ऊपर देख लगा के, एक वो एक ऐसे नहीं पर यार इसको किसको। अच्छा फिर मिलते हैं, बाय बाय हैं, ओके कल तो सर्विस पर क्या कितनी तारीख है, तो किसने बोला लॉकडाउन खुल रहा है,
किस सपने में जी रहे हो? हाँ, लॉकडाउन नहीं खुला है, बस दुकानों का टाइम चेंज हो गया और क्या, 9 से 2 रिस्ट्रिक्शन तो वैसी ही है। ड्राइव करने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि मैं और ऋषिका अकेले थे आज, एंड मैंने गाड़ी मतलब घर तक ले गया था और घर से भी वापस आया तो बहुत ट्रैफिक था, एंड ट्रैफिक को भी मैंने मतलब निडर होके आज सामना किया ट्रैफिक का, सो इट वाज रियली फन। तो अब इतना कॉन्फिडेंस तो आ चुका है कि मैं चला सकता हूँ। सो ऑलराइट, सो गाइस बाकी चलो अब चलते हैं घर की तरफ। एंड ठीक है, ओके, नो इंडिकेटर, वेरी गुड, वेरी नाइस। ऑलराइट गाइस, सो आज जब हम गाड़ी चला रहे थे तब भी ऐसे लोग बहुत मिले जो विदाउट इंडिकेटर कभी मुड़ रहा है कभी रुक रहा है, कोई पता नहीं है भाई। तो ऐसे में ड्राइव खुद हमें सेफ करना चाहिए, कोई पता नहीं गाइस आजकल लोगों का मतलब क्या बोलूँ। तो आज तो इंसिडेंट एक ऐसा भी हुआ, मोड़ पे मैं मतलब मोड़ काट रहा था तो एक वो भी शायद लर्नर थे तो, और उनकी तरफ इतना खुला रास्ता था फिर भी बंदे ने मेरे गाड़ी का टच कर कर करके ले जा रहा है। फिर मैं उसको बोला भी भाई ऊपर की साइड, नहीं बोला बच जाएगी, मैं और असल के दुश्मन इतना रोड खाली है वो क्या अपने बाप को छोड़ा है और मेरे ख्याल से वो लर्नर ही थे, एल लगाया हुआ था गाड़ी में, पर मैं भी लर्नर हूँ पर इतना भी नहीं है कि मेरे को पता है कब गाड़ी बजेगी कब नहीं बजेगी, पता नहीं वो क्या कर रहा था। चलो अपना अपना होता है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं किसी को। बाकी मैंने ये भी देखा है कि बंदे बस निकलने की कोशिश में लगे रहते हैं, हर कहीं गाड़ी बिछेड़ रहे, कभी कहाँ जा रहे क्या बोले। बाकी चलो चलते हैं, मौसम वैसे ही है क्लाउडी जैसा है तो बारिश का मौसम है, बारिश होनी भी चाहिए क्योंकि धूल बहुत पड़ चुकी है फिर से, मतलब ज़मीन को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, तो बारिश हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो पिछले कल भी बारिश हुई थी पर उतनी नहीं हुई है, मतलब थोड़ी और होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए ताकि फिर हम अपने खेत को बीजेंगे भी। तो हम सोच रहे हैं भिंडी और फ्रासमीन लगाएंगे इस बार, बाकी चलो देखते हैं क्या बनता है। और पेड़ों को भी पानी मिल जाएगा क्योंकि पेड़ों को पानी की कमी हो जाती है खासकर गर्मियों में। तो इंडिकेटर नहीं दिया हमने, कोई बात नहीं दे दिया है ओके। भाई 200 बता दें, it was at this moment that he knew he fucked up. गाय को मार दिया इस गाड़े ने, चलते हैं यहाँ से, मेरे को नज़ारे वाले रास्ते से ले जाता हूँ नज़ारे वाले। चिड़
गाइस, तो अब हम जाएंगे न्यूट्रल बातें करते करते। तो गाइस ये एचवील का एरिया देखिए, क्या मस्त चिड़िया देखिए, वो देखिए गाइस, ऐसा लग रहा है ना जैसे कि दोनों तरफ पेड़ों का गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं घर वापस। सो आई होप कि आपको राइड पसंद आई होगी। सो बाकी डेली ब्लॉग मैं देखता हूं, आज कुछ होगा तो वो भी बना के डालता हूं। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर 1K गाइस। एंड बाकी मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मैं घर पहुंच चुका हूं। अब बस खाना खाऊंगा एंड देन काम पे लग जाऊंगा एडिट करने के। बाकी आई होप यू गाइस हैव इंजॉयड द वीडियो। छोटा सा मोटो ब्लॉग है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ से शड़ा भाई से घर। बाकी जब जैसे ही लॉकडाउन और कोरोना की सिचुएशन थोड़ी अंडर कंट्रोल हो जाएगी, देन वी विल मेक अ बिग लॉन्ग ड्राइव लॉन्ग मोटो ब्लॉग्स, तो आप लोगों को भी पसंद आएगा। बाकी मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए अपना सभी। Stay at home, stay safe, and वैक्सीनेशन लगा देना भाइयों टाइम से। बाकी मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man, it hurts.